हेलो किड्स, आज हमारा टॉपिक है जीके में वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्यूशन? पोल्यूशन मींस कोई चीज़ खराब होना, दूषित होना, बिगड़ जाना, अपने प्योरिटी को खो देना, तो दिस इज पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन हम किसका पढ़ेंगे? वाटर का। वाटर पोल्यूशन यानी पानी हमारा गंदा दूषित कैसे हो जाता है। सो हियर आर सम पिक्चर्स। अब मैं आपको एक एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगी कि कैसे किन किन चीज़ों से हमारा वाटर पॉल्यूट होता है, यानी गंदा होता है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा ये पानी है, इसमें कितना कूड़ा करकट, कहाँ कहाँ का ये सब गार्बेज पड़ा हुआ है। थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, पानी में जब हम जो चीज़ यूज़ नहीं करते, जो हमारे लिए या इंडस्ट्रीज के लिए या आसपास के लोगों के लिए जो वेस्ट होता है, वो हम वेस्ट कहाँ फेंक देते हैं? गार्बेज इस पानी में। ठीक है, घर से बाहर। तो इस तरीके से पानी जो है वो गंदा हो गया है ना। तो इससे क्या हुआ? पानी गंदा हो गया, अब उसको यूज नहीं कर सकते, तो हमारा नुकसान हुआ। ऐसे ही दूसरा रीजन है, दूसरा पॉइंट है रिलीजिंग वेस्ट वाटर इन टू वाटर बॉडीज। जो हमारा इंडस्ट्रीज का जो केमिकल्स, वेस्ट केमिकल्स होते हैं, जो वहाँ का गंदा पानी होता है, बदबू वाला पानी होता है, जो किसी यूज़ का नहीं होता, वो कहाँ जाता है? इन वाटर बॉडीज में उसको हम मिला देते हैं। तो वो जब हमने गंदा पानी किसी साफ पानी में मिलाएंगे, तो वो पानी भी तो गंदा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही इस तरह से वेस्ट वाटर, केमिकल वाटर्स हम जब वाटर बॉडीज में डालते हैं, तो वो भी पॉल्यूट हो जाती है। इस तरीके से गार्बेज के थ्रू, वेस्ट वाटर के थ्रू हमारा वाटर पॉल्यूट हुआ। ठीक है, फिर थर्ड पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ कुछ वुमेन्स हैं, वो क्या कर रही हैं? दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एट द शोर ऑफ रिवर एंड लेक्स, है ना। वहाँ बर्तन धो रहे हैं, वहाँ कपड़े धो रहे हैं, तो जो कपड़ों का और बर्तनों का जो भी गंदा पानी है, वो सर्फ वाला पानी, साबुन वाला पानी, वे डर्टी वाटर, वो कहाँ जा रहा है? इस वाटर बॉडीज में देखिए आता जा रहा है, इसमें मिल रहा है वो। तो जब वो साफ पानी में ये भी गंदा पानी, साबुन वाला मिलेगा, तो वो भी तो खराब होगा ना। तो इस तरीके से ये वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज, इस तरीके से भी हमारा पानी पॉल्यूट होता है। अब आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक आदमी इस काऊ को, बुल को, यहाँ पे नहला रहा है, उसको वॉश कर रहा है। अब वो वॉश हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी उसके बॉडी का गंदा पानी होगा, साबुन वाला पानी होगा, जो उसकी बॉडी में कुछ कीड़े होंगे, कुछ भी होगा, वो सब कहाँ आएगा? इस पानी में। तो ये पानी भी गंदा हो गया। तो ये फोर रीजंस हैं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि आपके नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज क्या होती है? जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सीज, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको गंदा करना। तो सबसे फर्स्ट रीज़न थ्रोइंग गार्बेज, कूड़ा डालने से, गंदा पानी वाटर बॉडी में डालने से, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धोने से, और वॉशिंग, बेदिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। तो इस तरीके से हमारा पानी वाटर पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? एयर पोल्यूशन मीन्स हवा। हवा हमारी कैसे खराब हो जाती है, कैसे होती है? सबसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज। ये जितना भी कूड़ा आपको दिख रहा है, ये इनको क्या किया लोगों ने खत्म करने के लिए? उसको जला दिया, उसको बर्न किया। तो जब बर्न करने से, जलाने से, जो वो धुआं निकलता है, वो कहाँ जाता है? वो ऊपर स्काई में एयर में ही तो जाएगा, और उसी एयर से हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो गंदी हवा हमारे अंदर भी जाती है, तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। तो देखिए एक चीज़ गलत होने से बाकी चीज़ें कितनी इफेक्ट पड़ती हैं, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, जले हुए कूड़े को जलाना उसके धुएं से। सेकेंड, स्मोक फ्रॉम सिगरेट। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, इससे सिर्फ एयर पोल्यूट नहीं होती है, इससे हमारी जो बॉडी है, जो सिगरेट पीते हैं, जो खुद पीते हैं, या उनके आसपास के जो लोग बैठे होते हैं, उसका जो स्मोक जाता है एयर में, उसी एयर से हम ब्रीथ करते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हमारी लाइफ कितनी हद तक कम हो जाती है इस एयर पोल्यूशन से। तो सिगरेट के स्मोक से भी एयर पोल्यूट होता है।
एंड द थर्ड पिक्चर इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ चीज़ें बनाने के प्रोसेस में जो वो धुआं उठता है उनके चिमनी से, वो धुआं कहाँ जा रहा है सारा आप देख रहे हैं, पूरा स्काई में जा रहा है ना ये, तो इस ये स्काई में जब गया धुआं तो एयर तो पोल्यूट हो ही गई, एयर तो खराब हो ही गई है ना, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। एंड द लास्ट एंड फोर्थ रीजन इज दैट स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। अब तो खैर काफ़ी हद तक कुछ व्हीकल्स में धुआं नहीं निकलता जैसे फोर व्हीलर्स वगैरह में, बट जो बड़ी बड़ी गाड़ी हैं उनमें से निकलता है, तो जो गाड़ी का जो धुआं निकलता है ये गंदा धुआं होता है, ये गंदी एयर निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास के माहौल में एयर में ये मिक्स होती है और उससे हमारी एयर खराब होती है, पल्यूट होती है। सो कौन कौन से रीजन्स हुए हमारे एयर पोल्यूशन के? स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, जला कूड़े को जलाने से, स्मोक फ्रॉम सिगरेट, सिगरेट के धुएं से, थर्ड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज की चिमनी से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूट होती है, एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से। ठीक है, सो दीज आर द पिक्चर्स एंड द नेम एंड द रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तो इसको आप अच्छे से बुक खोल के अच्छे से उसको पिक्चर्स को आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, जो मैम ने आपको बताया है उसको याद रखेंगे। ठीक है, सो इस वर्कशीट में आपको नेक्स्ट पेज में क्या करना है, टिक द पिक्चर्स दैट शो एयर पोल्यूशन एंड क्रॉस द वंस दैट शो वाटर पोल्यूशन। तो आपको खुद से एयर और वाटर पोल्यूशन के इसमें क्रिस टिक और क्रॉस करना है। सो दिस इज द वर्कशीट यू हैव टू डू।